ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में एक बार फिर रुख कर लेते हैं मैनपुरी की ओर। मैनपुरी में आज कैबिनेट आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने 82,000 मजदूरों को योजना का लाभ दिया। आपको बता दें, आज नवनिर्मित श्रमिकों को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से माह दिसंबर 21 से मार्च 22 तक की धनराशि दो किस्तों में प्रति किस्त 1,000 रुपए की दर से असंगठित सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जनपद के 6,56,523 श्रमिकों के खाते में भेज दी गई है। आपको बता दें, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता एवं भवन निर्माण के अंतर्गत आने वाली 25,598 श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से रुपए डाले गए हैं। आबकारी मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने ईमानदारी से जनमानस की सेवा की। गरीब को समर्पित सरकार द्वारा बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया गया। सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। उद्घाटन कार्यक्रम में आप आए हैं, कितने लोगों को ई श्रम के तहत लाभान्वित किया जा रहा है मैनपुरी जनपद में? ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो खेतीबाड़ी में काम करते हैं, सड़क का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र के मजदूर हैं, ऐसे मजदूरों को पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ लगभग, और हमारे ज़िले के अंदर 82,000 से भी ज़्यादा, और 25,000 भवन निर्माण के काम में लगे अलग मजदूरों, यानी 7 लाख से भी ज़्यादा अकेले एक जनपद, छोटे से जनपद मैनपुरी में इन गरीब हमारे श्रमिकों को जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके खाते में 1,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है, और आगे हर महीने 500 रुपया उनके खाते में ये अनुदान भेजने का काम हमारी सरकार करेगी।